हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। और देखिए, मैजिशियन का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड माना जाता है टैरो में। ये कहीं मैजिकल एनर्जीज की बात करता है और हम सब लोग ही बचपन से मैजिक, मैजिशियन की तरफ बहुत फैसिनेटेड रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है मैजिशियन वो काम कर लेता है जो पॉसिबल ही नहीं होते हैं। और ऐसा ही मैजिक हम अपनी लाइफ के लिए भी चाहते हैं। और इस वीक मैजिशियन का कार्ड कहता है कि ऐसी ही मैजिकल एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन देखिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसी को ही लेके बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहे, विश्वास रहे, एक फोकस, एक कॉन्सेंट्रेशन रहे। क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर नहीं होंगी तो आप अपने गोल, अपने मकसद को नहीं पा पाएंगे। और अगर अगेन यही तीनों चीज़ें इस वीक या कभी भी अपनी लाइफ में आपने अप्लाई किया तो सक्सेस आपके लिए श्योर शॉट है। देखिए, कोटेशन भी है, वॉट एवर यू कैन बिलीव कंसीव अचीव। और देखिए, हमारी लाइफ में हम उन्हीं चीज़ों को अचीव करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, जिनको हमारा माइंड बिलीव करता है, कंसीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जो बहुत पैसे अर्न करना चाहता है, लेकिन उसके माइंड में एक बिलीफ है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकता, या फिर उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, और देखिए वो हमेशा ही उतना नहीं अर्न कर पाएगा। और उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो अर्न नहीं कर सकता या फिर उसके पास उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इस चीज़ को बिलीव करता है, उसका माइंड इस चीज़ को कंसीव करता है, और इसीलिए इस चीज़ को अगेन वो अचीव भी कर पा रहा है। तो नटशेल में मैं फिर से आपसे कहूँगी कि जो भी आपकी डिज़ायर है, विश है, उसको लेकर अगर आप बिलीव करेंगे, अपने माइंड में कंसीव करेंगे, तो इस वीक मैजिशियन का कार्ड कहता है कि 100% आप उसको अचीव कर पाएंगे, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। एंड देखिए, डीपर लेवल के लिए पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि जो भी आप प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, इन जनरल कर रहे हैं, किसी के साथ मिलके करना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आप जुड़ रहे हैं, आपके ज़्यादा कनेक्शंस बन रहे हैं, या फिर लिटरली किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलके आप कोई काम करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की पार्टनरशिप डीड भी इस वीक या तो आप साइन करना चाह रहे हैं या फिर साइन कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड सफरिंग इन साइलेंस। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर दोनों ही बहुत ही पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जीज के कार्ड्स हैं, और मैस्कुलिन एनर्जीज कहीं एक्शन, इनिशिएटिव्स, अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेने की बात करती है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो, और दोनों ही कार्ड्स कहीं थोड़ा सा किसी लेवल पर कंट्रोलिंग होने की बात करते हैं, डोमिनेटिंग होने की बात करते हैं। और ऐसा अगर आप भी पाएं पाइसेस, तो इस चीज़ को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। और देखिए, स्पेसिफिकली एम्परर के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि सिस्टमैटिक तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, एक डिसिप्लिन अपने पर्सनल लाइफ के किसी भी एरिया में आप लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप कुछ रूल्स अपने लिए बना रहे हैं। और देखिए, एम्परर कहीं पावर पोजिशन, अथॉरिटी की भी बात करता है,
तो या तो पर्सनल फ्रंट के किसी भी एरिया में आपको एक पावर पोजीशन अथॉरिटी मिल रही है, या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ मन ही मन आपको बहुत परेशान कर रही है, और बहुत सारे चांसेस हैं कि इसी चीज़ को लेकर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही मन में अगेन उस चीज़ को कहीं दबा रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाइसिस करते हुए पाएं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं एनर्जीज़ को, इन्हीं फीलिंग्स, इमोशंस को आप वेंट आउट करें। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा जब प्रेशर कुकर में खाना बनता है तो वो प्रेशर कुकर में बन रहा होता है लेकिन धीमी धीमी सी स्टीम निकलती रहती है, और जब वो स्टीम नहीं निकलती है और प्रेशर बिल्डअप होता रहता है तो वो कुकर फट जाता है और फिर बहुत नुकसान करता है। इसी तरीके से जब भी हमें कोई चीज़ किसी भी लेवल पे परेशान करती है और हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है, वो फटती है और फिर हमको और हमारे लव्ड वंस को बहुत नुकसान करती है। और जब थोड़ा सा ही अगेन हमें बुरा लगता है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसका वेंट आउट हो जाता है और चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं एंड बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान भी नहीं होते हैं। तो फिर से देखिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है डार्केस्ट फियर्स, और देखिए ये कार्ड कहीं सफरिंग इन साइलेंस वाले कार्ड की एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड कहता है कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेकर आप कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी इस वीक महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है कि देखिए सरफेस लेवल पे इसीलिए आप काफ़ी कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। और देखिए पाइसिस, मैंने हमेशा ही कहा है कि जो भी हमारे फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती हैं एंड 80-85% ऑफ द टाइम्स ये बेबुनियाद होते हैं। एक थॉट हमारे माइंड में आता है और जब हम उसको एनर्जी देनी शुरू करते हैं वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम इस चीज़ को देख ही नहीं पाते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड का एक थॉट है। और जब हम इन्हीं थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं तो ये थॉट्स खुद ब खुद ही गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे माइंड में एक थॉट आता है, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी एग्ज़ाम्स में, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी। और जब इसी थॉट को मैं और ज़्यादा एनर्जी देती हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि ये रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है। और जब बार बार इस थॉट को मैं क्वेश्चन करती हूँ कि क्या ये एब्सोल्युटली सच है कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्या मैं पास हो ही नहीं सकती, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो भी क्या मैं पास नहीं हो सकती हूँ, और जब इस तरीके के क्वेश्चंस मैं इस थॉट को लेकर करती हूँ तो मुझे क्लैरिटी आती है और मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि अगेन ये सच नहीं है, ये मेरे माइंड ने एक थॉट क्रिएट करा है जिसकी वजह से फियर जनरेट हो रहा है। और जब मुझे क्लैरिटी आती है तो देखिए फियर भी गायब हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी भी गायब हो जाती है और मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या करना है अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए या फिर इस केस में पास होने के लिए। तो इस चीज़ को आप इस वीक ज़रूर अप्लाई करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसिस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए।